हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रीति जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू लुमिनस मेंटर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट वीडियो यू हैव रीड द चैप्टर 3 एंड इट्स क्वेश्चन आंसर। आपने चैप्टर 3 और उसका क्वेश्चन आंसर कर लिया। आज हम लोग ग्रैस्पिंग ग्रामर करेंगे उसी चैप्टर का, जिसमें हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ा ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था कि डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने उसमें देखा होगा, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड वही होता है। द वर्ड विच आर यूज टू टेल समथिंग अबाउट द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? जो शब्द नेमिंग वर्ड के बारे में कुछ भी बताता है, जैसे कि जो नाउन है यानी कि संज्ञा या किसी का नाम दिया हुआ, उसके बारे में उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटी बताता है, उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, माई प्रेटी मॉम विथ करली हेयर। मेरी प्यारी माँ विथ करली हेयर, उनकी प्यारी माँ का बाल कैसा है? करली। तो करली उसकी क्वालिटी हो गई ना, ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। अब यहाँ ब्रैकेट में कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द ग्रास इज, ग्रास कैसा होता है? ग्रीन। यहाँ भर दिए ग्रीन, बट द रोजेज आर रेड। ये हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एलिफेंट इज, एलिफेंट कैसा होता है? थिन, ह्यूज या स्मॉल? ह्यूज होता है यानी कि विशाल। तो लिखिए द एन एलिफेंट इज ह्यूज, बट एन एंट इज थिन। एंट कैसी होती है? छोटी सी, तो यहाँ पे थिन भर देंगे। माई सिस्टर इज टॉल। मेरी सिस्टर कैसी है? टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबी, तो मेरी सिस्टर इज टॉल। बट माई ब्रदर इज शॉर्ट, लेकिन मेरा भाई कैसा है? छोटा है। यहाँ टॉल है, यहाँ शॉर्ट है, दोनों की इसकी क्वालिटी है। द फोर्थ क्वेश्चन, एन एप्पल इज स्वीट। एप्पल कैसा होता है? स्वीट, सावर या बिटर? स्वीट होता है, तो यहाँ लिखिएगा एन एप्पल इज स्वीट, बट अ लेमन इज सावर। लेकिन लेमन कैसा होता है? खट्टा। लेमन की क्वालिटी क्या है? सावर है, तो आपको यहाँ पे सावर भर देना है। ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो आपने भी फिल इन द ब्लैंक्स में किया है, तो ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है और उसको अच्छे से लिख लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, कीप लर्निंग, गुड बाय।